हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैथ की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी आरपीएफ एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी मैथ वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 पैसे में 6 की दर से कुछ सेब खरीदता है, ठीक है, और उसे 6 पैसे में 5 की दर से बेचता है तो कितना लाभ प्रतिशत होगा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका। और देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो किस तरीके से करना है बहुत ही इजी मेथड में आपको बताने वाला हूँ इसका। एक व्यक्ति ने 5 पैसे के 6 सेब खरीदे, इस तरीके से समझिए कुछ इसको कि 5 के उसने 6 खरीदे और 6 के 5 बेच दिए, तो ये तो हमें पता चल गया कि प्रॉफिट हुआ है। कितने परसेंट हुआ है वो आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, इसको रुपीज मान लीजिए और इसको क्वांटिटी मान लीजिए। इस तरीके से लिखिए इसको, देखिए सॉरी, इतने ये रुपीज और एक साइड में क्वांटिटी, यानी कि 5 रुपए के उसने 6 सेब खरीदे और 6 रुपए के 5 बेच दिए। इस तरीके से अगर आप समझोगे तो इजीली आप क्वेश्चन को कर लेंगे। वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है जब पढ़ते हैं इसको, ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। इस तरीके से आपने लिख लिया, इनको कर दीजिए इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इधर इसकी करके इधर लिख दीजिए और इसकी इधर मल्टीप्लाई करके इधर लिख दीजिए। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अगर रुपीज वाली साइड बड़ी आती है, मल्टीप्लाई करने के बाद रुपीज वाली साइड बड़ी आती है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर ये वाली साइड बड़ी आ जाती है, क्वांटिटी वाली साइड, तो इसका मतलब लॉस हुआ है। इस चीज में कंफर्म हो जाइए कि लॉस हुआ है। और दूसरी बात यह है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालनी कैसे, भाई ये आप इनका डिफरेंस निकालिए कितना, 11। ये चीज बड़ी है तो इसका मतलब 11 का प्रॉफिट हुआ है। 11 का प्रॉफिट हुआ है इसका मतलब क्या है, भाई प्रॉफिट के समय कौन सी चीज नीचे आती है, छोटे वाली, इन दोनों में छोटी जो भी होगी वो नीचे आ जाएगी। तो 11/25 × 100 कर दीजिए, 25 से कट जाएगा 100 4 बार और 4 की 11 में करेंगे तो 44% का लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी मतलब सोचना ही नहीं है फालतू का कुछ भी और बहुत ईजी क्वेश्चन ये बन चुका है। अगर आपकी समझ में अभी भी नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर दोबारा किसी और तरीके से भी बता दूंगा। दो चीज़ देखनी है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ये चीज़ बड़ी आई है रुपीज़ वाली साइड, भाई रुपीज ज़्यादा होंगे तो आप समझिए प्रॉफिट हो गया, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब लॉस हो गया, ठीक है। प्रॉफिट हुआ कितने का, 11 का। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी प्रॉफिट होगा तो नीचे आपका छोटे वाली अमाउंट आएगी जो भी होगी, लॉस होगा तो नीचे बड़े वाली अमाउंट आएगी हमेशा, ठीक है। आपको कभी ये भी नहीं सोचना है प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में, कभी भी अगर प्रॉब्लम है नीचे कौन सी रखे और ऊपर कौन सी रखे, तो आप समझ जाइएगा लॉस तो नीचे बड़ी, प्रॉफिट तो नीचे छोटी, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपके ALP टेक्नीशियन के जो एग्जाम हुए हैं तो उसमें इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये साधारण ब्याज का आपका क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे करना है। 2200 की धनराशि को सालाना 2% की सरल ब्याज दर से उधार देने पर कितने वर्ष में यह धनराशि 2266 हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सीधा सीधा SI बराबर यानी कि साधारण ब्याज बराबर P×R×T/100 लगाना है। डिफरेंस कितना इनका, भाई 2200 से 2266 हो गया, यानी कि 66 रुपये का आपका SI लग गया, साधारण ब्याज लग गया, ठीक है। तो ये आपको लगाना है 66 और आपका प्रिंसिपल कितनी है 2200, कितना परसेंट है 2, आपको टाइम निकालना है कितने टाइम में ये हो गया 2200 से बढ़ के 2266 कितने टाइम में हो गया, अपॉन में 100 कर देना है। तो टाइम को आपको वैसे के वैसे ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए कितनी चीज़ें कट सकती है, 20 से 20 जाएगी, 2 से ये कट जाएगा 33 बार, ठीक है भाई। तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधा 33 को डिवाइड कर दीजिए 22 से, तो ये आ जाएगा 1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष में, ठीक है। ये 2200 रुपये 2266 बन जाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अगर आपको टी निकालना है तो टी को छोड़ दीजिए, वैसे ही एक्स मान लीजिए टी लिख दीजिए, अगर आपको आर नहीं दिया होता और टी दिया होता तो आपको आर वैसे ही छोड़ देना था। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और जो कि एग्जाम में आएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आपका देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, चक्रवर्ती ब्याज से भी एक इसी तरीके क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई
धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में 1452 और 3 वर्ष में 1597.20 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर होगी। अब इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आपको पड़ती है, बट मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ। और इसमें कभी भी देखिए, इसके दो तरीके हैं, कई बार तो मैं आपको पहला तरीका बता चुका हूँ, बहुत से बच्चों ने बोला कि इसकी ट्रिक लेके आइए, तो एक ट्रिक है इसकी, उसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर आर निकालना है आपको, आर बराबर A2 - A1, यानी कि जो बड़े वाली अमाउंट होगी वो A2 है और जो छोटे वाली है A1 है। ये A2 A1 क्या है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन है आपका, जो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में वो यही है, और नीचे अपॉन में A1 आना है और मल्टीपल 100 से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे इसमें कितना दे रखा है, 1597.20 दे रखा है, तो ये तो A1 हो जाएगी, तो आपने लिख लिया यहाँ पे 1597.20। फिर आपका जो पहले वाली अमाउंट है वो 1452 है, तो ये भी आपने यहाँ पे लिख लिया 1452 और नीचे भी 1452 इंटू 100 से कर दीजिए। सीधा सीधा मतलब एक सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो लगाएंगे, इधर से कट जाएगा, ये 1452 से 1452 कट जाएगा, तो आपका 10% सीधा सीधा आंसर आ गया है। तो आर कितना आ गया, 10%। तो आप बताइए कितनी मतलब आसान तरीके से हो गया। बट आपको इसमें देखिए ये याद करना पड़ेगा, और जो इससे पहले मैंने आपको बताया था उसमें कुछ याद नहीं करना था। बट जो भी आपको अच्छा लगे, अगर पहले वाली ट्रिक जो मेथड मैं आपको बताऊं वो अच्छा लगे तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर इसको याद कर लीजिए, ये भी कोई हार्ड नहीं है। आर बराबर A2 - A1 × 100/A1, ठीक है, सिंपल है, 2-3 बार करिएगा, इजिली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है तब समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। एक तो ये क्वेश्चन होगा, इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा, और दोनों की ट्रिक एक ही रहने वाली है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, अगर आयत की लंबाई 60% से बढ़ा दी जाए तब समान क्षेत्रफल रखने के लिए चौड़ाई कितनी प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, आर अपॉन में 100 + R × 100। अगर यहाँ पे ये पूछा जाए कि कितनी घटा दी जाए, अगर आपको लंबाई बढ़ाई गई है और पूछा गया चौड़ाई कितनी घटाई जाए, तो आपको 100 नीचे आर अपॉन में 100 + R करना है, ठीक है, और इंटू 100। अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि आयत की लंबाई 60% घटा दी जाती है और समान क्षेत्रफल रखने के लिए चौड़ाई कितनी बढ़ाई जाए, तो यहाँ पे आपको 100 - R कर देना है। इस चीज का बस ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपकी ये ट्रिक बिल्कुल दोनों में अप्लाई होगी, R अपॉन में 100 + R × 100, ठीक है। आज मैं बहुत सारी ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि आप ट्रिक बोलते रहते हो कि एग्जाम हमारे नज़दीक आ गए हैं तो आप ट्रिक से ही कराइए तो हम रट लेंगे। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हम रट लेंगे, तो ठीक है मैं आपको अभी ट्रिक बता रहा हूँ। 60 अपॉन में यहाँ पे 100 हो गया, आर आपका 60 है तो प्लस 60 कर लिया इंटू 100, सीधा सीधा मतलब सिंपल है। वैसे ट्रिक जो होती है बहुत सिंपल होती है, आप कुछ ही सेकंड में आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 600 अपॉन में 16 तो डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 37 कंप्लीट 1/2% से आपको घटा देना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये बोला जाता कि आयत की लंबाई 60% घटा दी जाती है तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, ठीक है, तो अगर बढ़ाए जाने की बात की जाती तो आपको यहाँ पे 100 - 60 कर देना था, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप इजिली कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 14 m × 9 m कमरे के फर्श को ढकने के लिए 63 cm चौड़ी दरी के कितने मीटर की आवश्यकता होगी, यानी कि जो दरी की चौड़ाई होगी वो 63 cm होगी, तो कितनी दरी आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन आपका देखिए कितनी बार आ चुका, 2006 में, 2013 में, 2011 में भी आया है ये क्वेश्चन, तो आप देखिए कैसे इसको करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेना है, लंबाई इंटू चौड़ाई सभी को पता है, तो 14 × 9 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 126 m² उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो दरी की लंबाई हमें कितनी चाहिए, ये आप बस आपको क्या करना है, दरी की लंबाई बराबर फर्श का क्षेत्रफल और डिवाइड कर देना दरी की चौड़ाई से, जितनी भी दरी की चौड़ाई होगी। ध्यान रखिएगा जो फर्श का जो क्षेत्रफल आया वो आया मीटर में, 126 m, तो 126 m को आप 63 cm से मत डिवाइड कर दीजिएगा, उसको भी मीटर में बदलेगा, तो 63 cm में कितने मीटर होते हैं, 0.6 होते हैं, ठीक है। तो 126 डिवाइड बाय 0.63 से करेंगे डिवाइड, तो कितना हो जाएगा आपका 200 m, ये इतनी दरी चाहिएगी, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा,
बिल्कुल, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, दो लाइन है इसमें, और मतलब इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ज़्यादा हार्ड आएंगे भी नहीं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के भी मैं इससे पहली वीडियो में कई क्वेश्चन कवर कराए थे जो कि बहुत आसान थे, और मतलब उससे ऊपर आपका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, और भी मैं कराता रहूँगा, बीच बीच में मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी आपका एग्जाम है 17 सितंबर से, तो उससे पहले पहले मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। आप जितने भी एनालिसिस चल रहे हैं, एग्जाम के एनालिसिस हैं पहले भी ALP टेक्नीशियन, उनको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पहली वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उनसे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी कि आखिर मतलब रेलवे में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुछ दर पर 1203 साल के लिए और 804 साल के लिए के साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है, प्रतिवर्ष की दर प्रतिशत कितनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दो बार SI का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, P:R:T/100 वाला, दो बार लगाना है अलग अलग, एक बार तो 1203 साल का दे रखा है, ठीक है, फिर एक बार 800 और आपको 4 साल का दे रखा है, इनका अंतर 20 है, तो इनको आप माइनस करके लिख लेंगे। देखिए इस तरीके से, ये तो आप सभी को पता है, यहाँ पे लिखना है एक बार 1200 × 3 और R आपको निकालना है तो अपॉन में 100, फिर यहाँ पे माइनस 800 × 4 × R अपॉन में 100, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20 है, ये तो दिया है क्वेश्चन में, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 1200 का तीन वर्ष का इंटरेस्ट और अपॉन में 100, रेट दोनों का सेम है, और 800 का चार वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में मतलब इंटरेस्ट, और इन दोनों का डिफरेंस 20 है, तो इसी फॉर्मूले को आपको दो बार अप्लाई करना है अलग अलग, तो इनका आ जाएगा इंटरेस्ट निकल के, देखिए ये कट जाएगा आपका, ठीक है, इससे भी कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 2 0 से 2 0, और इधर ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, ये 12 + 36 R और ये कितना का 8 × 32 R, इन दोनों का डिफरेंस 4R और ये कितना है 20, तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो R यानी कि रेट कितना आ गया 5% का, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है भाई। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही आसान होते हैं, मैं आपको हर क्वेश्चन हर वीडियो में तो बोलते हूँ, हर एक क्वेश्चन के साथ साथ भी बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, और क्वेश्चन ना ही आपके एग्जाम में हार्ड आने वाला है, ठीक है। ग्रुप डी का एग्जाम है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको क्वेश्चन के तरीके समझ में आ जाने चाहिए कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, उस तरीके का आएगा तो कैसे करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, देखिए कैसे करना है, आप एक बार ट्राई भी कर सकते हैं। ब्याज की दर प्रतिशत 8 + 1/3% से 9 + 3/8% बढ़ती है, तो एक व्यक्ति की ब्याज से वार्षिक आय 100 बढ़ती है, यानी कि इतने से बढ़ के अगर इतनी होता है तो उसकी जो वार्षिक आय है वो 100 रुपीज़ से बढ़ जाती है, निवेशित राशि है। तो देखिए बिल्कुल वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को भी, निवेशित राशि को आपको मान लेना है एक्स, ठीक है, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको एक्स मान लेना है, तो एक्स पे एक बार तो आपको लगाना है, देखिए उसको मैंने सोल्व कर लिया है, अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो इनको सोल्व करने के बाद में क्या आएगा, 9 × 72 = 3 = 75, तो 75/8% और ये हो जाएगा आपका 25/8%, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया इनको, x का 75/8 × 1 साल का, ठीक है, x × 25/3 × 1 साल का, अपॉन में 100 कर लेंगे क्योंकि ये परसेंटेज है 75/8 और ये 25/3 परसेंटेज है, तो परसेंटेज के नीचे 100 तो आता ही है, और बराबर में इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 100, यानी कि इतने से जो इतने से बढ़ के इतना आता है तो उसका जो अंतर बढ़ जाता है वो 100 से उसका इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपने इतना कर लिया, तो इसको सोल्व कर लीजिए, तो सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगी 100, ये हो जाएगा 800, इसकी करेंगे 300, तो 75x ऊपर 75x हो जाएगा और इधर 25x अपॉन में 300 और 800 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 25 से कट करेंगे, 25 + 75 और ये कट जाएगा 32 बार, 25 से कम 25 और 25 से कट जाएगा 12 बार, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, देखिए 3x/32 और x/12 और ये इक्वल हो जाएगा 100 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनका ले लेंगे LCM, कितना आ गया 96, तो 96 आपका LCM आने के बाद में 9x - 8x हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको सीधी सीधी मिल गई है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये तो 9x - 8x हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपको मिल गई है 9600, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है जिसपे ये इंटरेस्ट बढ़ने पर 100 रुपये बढ़ रहा है, वो अमाउंट है कौन सी, वो 9600 है। ऐसा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी और इससे पहले वाला भी, और इस टाइप के जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं धीरे धीरे आपको कवर कराता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है, ABC का कोण C समकोण है, ठीक है,
यदि ए आपका 5 है, बी आपका 12 है, तो सी आपको निकालना है, तो ये आपका समकोण हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी का, और यहाँ पे ए की दे दिया आपको, बी दे दिया, सी आपको निकालना है, ठीक है। तो ए कितना है 5, बी कितना है 12, तो सीधा सीधा यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगी, ठीक है। तो ए का आपका 5 है, बी आपका 12 है, पाइथागोरस लग जाएगी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर किसका हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका ए बी का आपको यानी कि निकालना है, ए सी का स्क्वायर आपको दे रखा है, बी सी आपको दे रखी है वैल्यू, तो यहाँ पे ए बी की आपको वैल्यू निकालनी है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे, ए कितना है आपका 5, ठीक है, तो ए आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी आपका कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 144, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 169 किसका स्क्वायर होता है आपका 13 का, तो ए बी की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी, ठीक है। ये ए बी की वैल्यू हमें ये वाली निकालनी थी ना सी, तो ये कितनी हो जाएगी 13 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा देखिए पाइथागोरस तो आप सभी को पता ही है ना, बस आपको वही निकालनी थी, ये कई बार तो मैं आपको रीजनिंग में बता चुका हूँ, रीजनिंग में भी एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जब आपको डिस्टेंस निकालनी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती है, तो कोई भी बंदा जब घूमता घूमता इस तरीके से कोण बन जाता है और उसमें ये वैल्यू आपको पता चल जाती है, ये वैल्यू पता चलती है, ये निकालनी होती है, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने ले लिया, और रेलवे एसएससी में कई बार पहले भी आ चुका है, आगे भी आ सकता है। ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि प्रत्येक बारी बारी यानी कि बारी अल्टरनेटिव डेज पे वर्क करे, एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा पहले ए प्रारंभ करे, तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन मैं बनाने वाला हूँ, आपको देखते जाइए, ए 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, आपने इतना सीख रखा है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये टोटल यूनिट वर्क आ जाएगा 36, ठीक है। यहाँ से एक एक दिन का इनका यूनिट वर्क निकालेंगे यानी कि ए एक दिन में कितना वर्क करता है, तो 36 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो ए का एक दिन का वर्क आ जाएगा, 36 को अगर बी के 18 दिन में कंप्लीट कर लेते तो एक दिन में कितना करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है, दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर सकते हैं, बट इनसे अल्टरनेटिव डेज वर्क कराया जा रहा है, पहले ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा, तो यानी कि जो वर्क ये एक दिन में कर सकते हैं अभी उसको करने में कितने दिन लग रहे हैं भाई, उसको करने में 2 दिन लग रहे हैं भाई, एक दिन ये करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा, तो इन दोनों को वर्क करने में 2 डेज लगेंगे जिस काम को ये एक दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हमें क्या करना है, इस 5 का आपको टेबल एक ऐसा पढ़ना है जो 36 से कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए बस कम होना चाहिए, तो 5 7 35, 36 से एक कम है उसको लिख दीजिए आप एक तरफ, ये एक रिमेनिंग बच गया, आपका 35 वर्क कंप्लीट हो चुका है, 35 वर्क को कंप्लीट करने में 7 दिन तो आप सीधे सीधे लगा सकते थे जब हम एक दिन में इन दोनों से वर्क कराते, बट ये जो 7 दिन लगे हैं ये 7 दिन एक्चुअल में नहीं लगे हैं, इनका डबल दिन लगेंगे क्योंकि ये अल्टरनेटिव डेज पे वर्क है, तो 7 में हमें 2 की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो कितना हो जाएगा 14 तो पूरे कंप्लीट डेज लग गए हैं, बचा एक रिमेनिंग वर्क को करने वो आएगा जिसने वर्क स्टार्ट किया था, वर्क स्टार्ट किसने किया है ए ने, और ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, तो एक यूनिट वर्क को कितने दिन में करेगा, तो 1 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये 14 कंप्लीट 1/3 डेज में ये जाके वर्क कंप्लीट होगा, तो कितनी जल्दी मैंने और कितना अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, चलिए आप बताइएगा मुझे कि अच्छी तरीके से समझाया नहीं समझाया, मैं खुद ही अपनी बड़ाई कर रहा हूं, ठीक है। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको ये वीडियो और कितना समझ में आया, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, जल्दी बोलूँ कम बोलूँ, ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँ कम लेके आऊँ, वीडियो छोटी रखूँ बड़ी रखूँ, सब कुछ आप बता सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, बहुत सारी वीडियोज़ के मैंने लिंक दिए हैं, वहाँ पर जाके आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।